आज मैं आप लोगों को आत्महत्या करने के 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाने के बाद आपको ना तो कोई दर्द होगा और ना ही कोई तकलीफ, बल्कि बहुत ही प्यार से और सुकून से आप आत्महत्या कर सकते हैं और इस दुनिया के दर्द और तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे भी दुनिया बहुत मतलबी है, लोग तरक्की कर रहे हैं और मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, जॉब भी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, तो किसी को पत्नी से परेशानी है, तो किसी को पति से बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुबह उठो तो टेंशन, रात में सो तो टेंशन, यार खाली टेंशन टेंशन, दुख समस्या परेशानी, ये भी कोई जीवन है? पैसा हो तो टेंशन, ना हो तो टेंशन, इससे अच्छा है कि आत्महत्या कर लो और एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दो। इसलिए आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जो सबसे आसान है। बस 10 सेकंड तक इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। अच्छा, अभी भी ये ऑडियो सुन ही रहे हो? क्या फायदा है ऐसा करके? कहते हैं मनुष्य का जीवन बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। परेशानी किसके जीवन में नहीं है मेरे भाई? किस बात की टेंशन है? रिश्ते की, गर्लफ्रेंड की, नौकरी की, या आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है? किस चीज की टेंशन है? कौन सी टेंशन है आपको? जरा सोच कर देखिए, जिसने करोड़ों अरबों रुपए कमाए सिर्फ ये सोचकर कि पैसे से ही सुख शांति और सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, आज वैसे बहुत से लोग इस देश को छोड़ करके फरार घूम रहे हैं और सभी लोग उनको कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। और वो लोग जिस जगह सुकून की तलाश में भागे हैं, वहां भी सुकून से नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे की वजह से परेशान रहते हैं, चाहे वो पैसा लीगल हो या इनलीगल, उन पैसों की वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी ही रहती है। और अगर रिश्ते की वजह से परेशान हो तो जरा सोचिए, जब तक आदमी कमाता है तब तक उसकी इज्जत होती है, मान सम्मान रुतबा सब कुछ होता है, और जैसे ही किसी भी कारण से उसकी कमाई रुक जाती है तो धीरे धीरे उसका मान सम्मान सब खत्म होने लगता है और फिर शुरू होता है तानों का दौर, बेइज्जती का दौर। फिर आप उस मान सम्मान या इज्जत के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? और उसको सोचकर और उस दिखावटी मान सम्मान और इज्जत के बारे में सोचकर अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जो आपसे नहीं बल्कि किसी वस्तु से जुड़ा हो, जिसे हम पैसा कह रहे हैं, या किसी भी चीज से जुड़ा हो। रिश्ता सच्चा वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के बना हो। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो इससे वो आपका सम्मान करना अगर छोड़ देते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, तो फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रह गया ना, फिर तो वो मतलब का स्वार्थ हो गया। और अगर आपको लगता है कि आपके पास नौकरी नहीं है, आपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उसके बावजूद आपको आपकी पढ़ाई लिखाई के अनुकूल, मतलब जो भी आपने डिग्री ली है उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिल ही नहीं रही है, और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि समाज लोग पीठ के पीछे बड़ी ही बातें कर रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं आपको, न जाने किस किस तरह के लोगों को आपको फेस करना पड़ रहा है, आप नज़रें बचा बचा के, नज़रें चुरा चुरा के चल रहे हैं। अगर आपको लोग दिख रहे हैं तो आप दूसरी गली से घूम के निकल जा रहे हैं, आप लोगों से बातें करने से बच रहे हैं। तो मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिल रही तो आप कोई दूसरी नौकरी पकड़ लो, कोई छोटी नौकरी पकड़ लो, जिससे कि आपकी आजीविका चल सके। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप कोई दूसरा काम या छोटी नौकरी कर लेंगे तो लोग ये समाज वाले और ज़्यादा हंसने लगेंगे, फिर आपको और ज़्यादा मजाक बनाएंगे, तो ये भी जान लीजिए कि ये वही समाज है जो आपके बेरोजगार होने पर भी आपका मजाक ही उड़ा रहा है। और अगर आप पुराने कपड़े पहनते हैं तब भी यही समाज आप पर हंसता है। और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, मान लीजिए कोई किस्मत खुल गया, आपका बिजनेस चल गया, या लकीली आपकी कोई लॉटरी लग जाती है और आपके पास पैसा आना चालू हो गया या पैसा आ गया, तो ये समाज क्या बोलता है, तेवर ही बदल गए हैं इसके, घमंडी हो गया है यार, ये तो बात ही नहीं करता हमसे। इसलिए किसी भी काम को करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि अपनी मानसिक शांति और खुशी के लिए करना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप पावरफुल नहीं हैं और इस दुनिया में पावरफुल लोगों की ही जगह है, उन्हीं की इज्जत है, तो आप यहाँ भी गलत हैं।
बड़े से बड़े गुंडे जो खुद को कभी सबसे शक्तिशाली महाशक्तिशाली समझा करते थे, वो भी आज धूल चाट रहे हैं। एक ना एक दिन उन लोगों को भी मरना पड़ता है। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन जो खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, जिन्हें ये लगता था कि कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कानून भी उनके कदमों के नीचे झुका रहता है, जब समय का पहिया घूमता है और समय बदलता है ना, तो वो लोग भी रोना चालू कर देते हैं और बीमारी का बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। वो सारी पावर वही धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि कहावत है ना कि हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है और समय ज़रूर बदलता है। ये जीवन बहुत ही अनमोल है मेरे दोस्त। चाहे आप किसी भी धर्म मज़हब को मानने वाले हो, सभी में कहा गया है कि जीवन बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, फिर इसको ऐसे ही क्यों वेस्ट करना भाई। गौतम बुद्ध भी अपने हर उपदेश में जीवन और उसकी परिभाषा को समझाते रहते थे कि जीवन क्या है, कैसे मिला है और हमें अपने जीवन में खुश कैसे रहना चाहिए, कैसे चीज़ों को त्यागना चाहिए, कैसे चीज़ों को अपनाना चाहिए, अपने जीवन को हमें सरल किस तरीके से बनाना चाहिए। एक एक चीज़ को गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बड़ी ही बारीकी से लोगों को समझाया है और बहुत से लोगों ने उनके उपदेशों को सुनकर समझकर अपने जीवन को अच्छा बनाया है, अच्छी राह पर लाए हैं और सुखी जीवन जिए भी हैं। क्योंकि जीवन को ख़त्म करने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको सुकून मिल जाएगा? ये जो मनुष्य शरीर, ये जो तन आपको मिला है, यही सिर्फ ख़त्म होगा ना? मगर जो परेशानियाँ इस जीवन में आप फेस कर रहे हैं, उसी तरह की परेशानियाँ कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा या सातवा हर इंसान फेस कर रहा होगा। तो अगर हर इंसान यही सोचे कि परेशानी से आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर इस धरती पे कोई बचेगा। इसीलिए मेरे दोस्त, जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, डट कर उसका सामना करो, दृढ़ होकर के उसका सामना करो। एक ना एक दिन वो समस्या टल जाएगी। जिस दिमाग ने, जिस हालात ने इन समस्याओं को जन्म दिया है, वो दिमाग उस समस्या का, उस परेशानी का समाधान भी ढूंढ सकता है। और जिस समय ने इस परिस्थिति को जन्म दिया है कि आज हम दुख झेल रहे हैं, वही समय जब बदलेगा तो तुम्हें सुख भी देगा। परंतु उस सुख को देखने के लिए, उस सुख को भोगने के लिए तुम्हारा जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने मन से, अपने मस्तिष्क से इस आत्महत्या की कल्पना, बल्कि इस आत्महत्या के शब्द को निकाल दो और जीवन के शब्द को पकड़ो। जीवन किसमें है उसे पकड़ो। ज़रूरी नहीं है इस दुनिया में जितनी भी आबादी है, क्या हर इंसान को उसके मन मुताबिक जॉब मिल जाती है, उसके मन मुताबिक पैसा वो कमा लेता है, उसके मन मुताबिक उसको गर्लफ्रेंड, पत्नी, पति, रिश्ता, परिवार, सुख संपत्ति, धन धान्य मिलता है? नहीं, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से उन चीज़ों को हासिल कर पाते हैं। तो तुम भी उन जैसे बनो जो अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से हर उस चीज़ को हासिल कर सको जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा तो तुम उस सुख को भी कभी हासिल नहीं कर पाओगे जिसकी तुम कल्पना करते हो। उस सुख को भोगने के लिए तुम्हारा जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आत्महत्या के ख्याल को अपने मन से निकाल दो। Thank you.
हूँ।